हेलो व्यूअर्स, सब्सक्राइब करें इस चैनल टीच एक्स्ट्रा को और क्लिक करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख सके हमारी वीडियो सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं गौरव वर्मा स्वागत करता हूं आप सबों का आपके इस चैनल टीच एक्स्ट्रा पे। आज का अपना जो टॉपिक है मैंने प्रीवियस में जो आपको बताया था एमएस ऑफिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड सीपीयू, उसके रिगार्डिंग जो टॉप 50 एमसीक्यू बनने वाला था उसके ऊपर ये बेस्ड है। तो अपने वीडियो की तरफ आने से पहले एक बात मैं आपको बताऊं, जैसा कि आपका कमेंट आ रहा है कि सर क्वेश्चन का लेवल बहुत ईजी है, तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि जो अपना भी सिलेबस चल रहा है ये बेसिक का सिलेबस चल रहा है और बेसिक सिलेबस का भी टॉपिक चल रहा है। एक बार सिलेबस कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद जो आपका क्वेश्चन का लेवल मिलेगा फिर आपको पता चलेगा। क्योंकि आपके इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं और उनको लेकर भी चलना है, तो बस थोड़ा सा टाइम दीजिए फिर क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता चलेगा। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है सीपीयू कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। मैं आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम दूंगा, आप अपना नोटबुक निकाल लीजिए और जो आपका आंसर है उसको आप देखिए, फिर आपका आंसर सही है कि नहीं सही है, और लास्टली आप मुझे कमेंट करेंगे अपना स्कोर, जिससे फिर मैं इसके अलावा और एमसीक्यू बनाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है अपना सीपीयू कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। सीपीयू कौन कौन से पार्ट्स को कंसिस्ट करता है, ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। तो इसका आंसर होगा सी यू एंड ए एल यू, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। क्या होता है कंट्रोल यूनिट जो होता है, तो सारे यूनिट को कंट्रोल करता है। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट जो होता है उसमें जितनी भी अर्थमेटिक और लॉजिकल दोनों एक्सप्रेशन होती है उसको हम लोग उसमें वर्क करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, टू गेट द सिंबल डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन द मेनू चूज सिंबल। जब हम लोग वर्ड में या फिर एमएस ऑफिस में कुछ डायलॉग बॉक्स खोलना होता है तो उसके लिए सिंबल के लिए हम कहाँ क्लिक करते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इंसर्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, इसका आंसर होगा मिनी कंप्यूटर वर्क फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर आपका 1940 में आया था और इसको IBM ने बनाया था। इसमें ये जो था आपका कंप्यूटर सो माइक्रो कंप्यूटर से हल्का सा बड़ा और मेन फ्रेम कंप्यूटर से हल्का सा छोटा, मतलब कि माइक्रो और मेन फ्रेम के बीच का पार्ट था मिनी कंप्यूटर जो आपको 1940 में बना था। तो इससे आप नोट कर ले कि एक कंप्यूटर कब बना था, 1940 में बना था। क्वेश्चन नंबर 4, प्रेसिंग F8, जब हम लोग F8 की फंक्शन का एक की होता है F8, उसको जब हम लोग 3 बार क्लिक करते हैं तो उससे क्या होता है, तो इसका आंसर होगा A word, ऑप्शन नंबर C। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज ए लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है, लाइट पेन मेनली जब हम लोग टच स्क्रीन पे कुछ हैंड राइटिंग से ड्रॉ करना होता है उसके लिए यूज करते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय ALU। ALU कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है, इसमें ऑप्शन है एक्सपोनेंशियल, स्क्वायर रूट, डाटा मैनिपुलेशन एंड ऑल ऑफ द दीज। तो जो ऊपर का तीनों ABC तीनों जो ऑप्शन दे रहा है सो आपका मैथ का ही ऑप्शन है, अर्थमेटिकल ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ए कैरेक्टर डैट इज राइज्ड एंड स्मॉलर अबव द बेस लाइन इज नोन एज। बेस लाइन कहने का मतलब हो गया, जब भी हम लोग कुछ लिखते हैं या कोई वर्ड लिख रहे हैं वर्ड में टाइप कर रहे हैं तो वो अपना एक वर्ड बेस लाइन होता है, तो बेस लाइन के ऊपर इसका ऑप्शन नंबर डी सब स्क्रिप्ट सही होगा। क्योंकि जब हम लोग कोई पावर लगाना, जैसे कि मान लीजिए 2 का पावर 2 4 हुआ, तो जो 2 का पावर 2 लिखना है ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, EBCDIC stand for क्या होता है इसका फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। इसमें क्या होता है कि 8 byte का होता है और इसको जैसे कि आप QR कोड देखते हुएगा तो उस तरह का ये जनरेट होता है, तो इसका ऑप्शन होगा एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ए बुक मार्क इज एन आइटम और लोकेशन इन डॉक्यूमेंट डैट यू आइडेंटिफाई एज ए नेम ऑफ फ्यूचर रेफरेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज एक्सेम्प्लीफाइड बाय यूजिंग बुक मार्क्स। इसमें आपको बोल रहा है कि जब हम लोग कोई वर्क करते हैं और डॉक्यूमेंट में रखते हैं और फिर अगर उसको हमको फिर से देखना हो या आइडेंटिफाई करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी
सही होगा टू क्विक जंप स्पेसिफाई लोकेशन इन डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड। ये तो आप लोग भी देखे हुए, जब आप लोग अपना जीमेल वगैरह खोलते हैं तो उसमें जो जंक फाइल सब होता है सो कहाँ होता है, वो होता है स्पैम में। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ यू वांट टू कीप ए ट्रैक ऑफ डिफरेंट एडिशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट विच फीचर विल बी यूज। जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डॉक्यूमेंट को या वर्क करना होता है तो उसके लिए हम लोग कौन सा एडिशन यूज करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी वर्जन होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, हैकर्स, हैकर्स क्या होता है, तो इसका हैकर्स हैकर्स क्या होता है, तो हैकर्स क्या करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, ब्रेक इनटू अदर पीपल्स कंप्यूटर। जो अदर लोगों का कंप्यूटर होता है उसमें जब हम लोग घुस कर किसी भी तरह का उसके साथ में मतलब कि बदलाव करें या फिर उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो वो हैकर का काम होता है, ब्रेक इनटू अदर पीपल्स कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 13, बैकग्राउंड कलर ऑफ इफेक्ट अप्लाइड ऑन ए डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन। जब हम लोग एमएस ऑफिस में किसी भी तरह का वर्क करते हैं और उसमें कुछ बैकग्राउंड लगाते हैं सो कहाँ पे विजिबल नहीं होता है, तो जब हम लोग उसका प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तो वहाँ पे वो शो नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर आर क्लाइंट कंप्यूटर इन ए क्लाइंट सर्वर सिस्टम। ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो क्लाइंट कंप्यूटर कहलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी माइक्रो कंप्यूटर होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है, इसमें बहुत सारे बच्चे फंसते हैं और वो इसका आंसर पेज लेआउट बोल कर आ जाते हैं, बट इसका आंसर होगा पेज ओरिएंटेशन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द, अगर कंप्यूटर को हमको बूट करना हो और ये चीज़ नहीं हो तो किसके बिना कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट हैपेंस व्हेन यू क्लिक ऑन इंसर्ट पिक्चर क्लिप। जब हम लोग इंसर्ट में जाएंगे पिक्चर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद क्लिप खुलेगा तो उससे क्या होता है, तो वो क्या करेगा, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, इट ओपन क्लिप आर्ट्स इन टास्क बार। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18, आर सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर टू कंट्रोल द डाटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट। जब हम लोग किसी रूल को सेट करते हैं इंटरनेट पे, मतलब कि इसमें हो गया कि किसी भी तरह का डाटा को एंग्लो से डिजिटल करने के लिए या फिर कोई परमिशन मिलता है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन इंसर्टेबल ऑटो फिट बिहेवियर। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ऑटो फिट बिहेवियर नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, ऑटो फिट टू कॉलम, ऑटो फिट टू कॉलम। क्वेश्चन नंबर 20, द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज। स्क्रैम्बलिंग कोड कहने का मतलब हो गया ये भी बार कोड की तरह ही होता है और इसको हम लोग जनरेट करते हैं और इसको वही पढ़ सकता है जिसके पास में इसे पढ़ने के लिए एक क्या उसको बोल सकते हैं आप, एक अपना वो लिंक हो या फिर किसी तरह का उसके पास में ऑथेंटिक पावर होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, इनक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, वेयर कैन यू चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट को हम लोग कहाँ पर चेंज करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 22, स्विचिंग डिवाइस ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इज। स्विचिंग डिवाइस जो होता है उसमें मैंने आपको पढ़ाया था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, उसमें एक टर्म आया था VLSI जिसको बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड स्टेप इन क्रिएटिंग ए माइक्रो। माइक्रो कहने का मतलब हो गया अगर हम लोग वर्ड में या फिर एक्सेल में कोई वर्क कर रहा हो उस वर्क को अगर हमें बार बार करना हो तो उसके लिए हम माइक्रो रिकॉर्ड को इनेबल कर कर अपने वर्क को रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद अगर वैसा वर्क करना हो तो ऑटो मोड पे वर्क होने लगता है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो इसका ऑप्शन होगा बी, असाइन ए कीवर्ड शॉर्टकट इन टू द माइक्रो। क्वेश्चन नंबर 24, लार्ज ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इन ऑटोमेटेड ऑर्गेनाइजेशन यूज। जब बहुत सारे मतलब बहुत बड़ा इंडस्ट्री कहिए या फिर
रनेशन कही है, वहाँ पे कौन सा प्रोसेस यूज़ किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको मोबाइल पे रिचार्ज करवाना हो या फिर किसी को पेमेंट भेजना हो, तो ऑटो मोड पे जहाँ पे बहुत सारे यूजर होते हैं और वहाँ पे अगर पेमेंट का आ रहा है और जा रहा है उसका कुछ करना हो, तो उसके लिए कौन सा प्रोसेसिंग का यूज़ करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, बैच प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 25, इन वर्ड द मेलिंग लिस्ट नोन एज द, वर्ड में जो मेलिंग लिस्ट होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, डाटा सोर्स। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टूल यूज टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू ए कंप्यूटर सिस्टम। अगर कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग किसी और को उसमें छेड़खानी का आदेश नहीं दे, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं। तो उसका ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, पासवर्ड। क्वेश्चन नंबर 27, टू ओपन ए एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट क्लिक ऑन द डैश एंड देन सेलेक्ट ओपन। अगर हमको एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट देखना हो या खोलना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, एमएस ऑफिस बटन। क्वेश्चन नंबर 28, इज द मेजरमेंट ऑफ थिंग सच ए फिंगरप्रिंट एंड रिनेशियल स्कैन यूज फॉर सिक्योरिटी एक्सेस। जैसा कि आप लोग अगर ऑफिस में बिलोंग कर रहे हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूट में या फिर कहीं भी हैं, तो देखते हुए बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया गया है, जिसमें क्या होता है कि आप अपना फिंगरप्रिंट स्कैन कीजिए और उसके बाद आपका अगर अटेंडेंस के लिए होगा तो अटेंडेंस हो गया, फिर आप कहीं ऑफिस में शो हो गया, या फिर अगर कोई गेट है उसमें अगर आपका फिंगरप्रिंट एक्सेस है तो आप वहाँ दीजिएगा, तभी वो गेट का लॉक खुलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, बायोमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 29, IBM 1401 इज, ये क्या है। IBM 1401 इज ये क्या है। तो ये मैंने आप याद कीजिए, जनरेशन में मैंने लिखवाया भी था कि ये सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का एक टाइप है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार। एमएस ऑफिस में फॉर्मेटिंग टूल बार में सबसे लार्जेस्ट क्या होता है। तो ये होता है 8x12, 8x72 के रेशियो में। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन ऑफ टेक्स इन ए डॉक्यूमेंट। द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन ऑफ टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, क्या उसको बोलते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। कुछ ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बीच फाइल स्टार्ट्स एमएस वर्ड। जैसे कि आप लोग पीपीटी वगैरह ये सब बनाते रहिएगा तो लास्ट में एक्सटेंशन फाइल बन कर आता है .ppt, उसी तरह से पूछ रहा है बीच फाइल स्टार्ट्स एमएस वर्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा बी, बिन वर्ड .exe। क्वेश्चन नंबर 33, एन इनिशियली डिस्क्रिप्टिव प्रोग्राम डेट स्प्लिट्स फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम और फ्रॉम डिस्क टू डिस्क इज नोन एज। जब हम लोग किसी प्रोग्राम को डिस्टर्ब करते हैं या फिर किसी के भी बीच में डिस्क को अगर हम लोग करप्टेड कर दिया, कुछ भी कर दे, तो इस तरह के प्रोग्राम को क्या बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, वायरस। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन इन वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट। जो होता है आपका वर्ड होता है, वर्ड 2003 का जो लेफ्ट मार्जिंग होता है, सो बाय डिफॉल्ट कितना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, 1.25 इंच, 1.25 इंच। क्वेश्चन नंबर 35, ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग इंटरप्रेटर का यूज़ करते हैं। इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर होता है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करता है। जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है और उसे मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर करने के लिए हम लोग इंटरप्रेटर का यूज़ करते हैं। तो वही क्वेश्चन है आपका, ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, इंटरप्रेटर। 36, ऑटो करेक्ट वाज ओरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस डैश वर्ड एज यू टाइप। ऑटो करेक्ट मेनली बनाया गया था जब हम लोग कुछ वर्ड मिसपेल मतलब कि गलती करते हैं, या फिर जैसे ही आप कुछ वर्ड में गलत करते हो तो नीचे में एक रेड कलर का आइकन बन के आता है, वहाँ पे जब हम राइट क्लिक करते हैं तो उसका एक सही सजेशन आता है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, मिस स्पेल्ड। क्वेश्चन नंबर 37, इज एन उप प्रिंसिपल। उप कहने का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या था, तो इसका बेसिक प्रिंसिपल था आपको इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कहने का मतलब हो गया, फॉर एग्जाम्पल इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि बहुत सारा गाड़ी है, ठीक है, बहुत सारा व्हीकल है, जिसमें मान लीजिए कार हो गया, बाइक हो गया, ट्रक हो गया, बस हो गया, तो अगर इस सब के लिए एक प्रोग्राम बनाया जाए तो इस सब के लिए एक मेन क्लास बनाना पड़ेगा। तो इसमें क्या करता है इनहेरिटेंस में, कि एक व्हीकल नाम का एक आपको
मेन क्लास बन गया और उसके अंदर में सारा सब क्लास चलाता है, इसलिए हम लोग उप्स में इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ थ्री मेल मर्ज हेल्पर स्टेप्स। तो इसका क्वेश्चन नंबर का इसका आंसर हो जाएगा सेट द मेलिंग लिस्ट प्रोग्रामेबल। इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा, सेट द मेलिंग पैरामीटर्स। इसको जब हम सेट कर देते हैं तो मेल मर्ज हेल्पर स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, द डिवाइस यूज टू कैरी डिजिटल डाटा ऑन एनालॉग लाइन इज कॉल्ड एज। जब हम लोग डिवाइस को डिजिटल डाटा से एनालॉग में ट्रांसफ़र करना होता है तो उसके लिए किसका यूज़ करते हैं, उसके लिए हम लोग मॉडेम का यूज़ करते हैं। मॉडेम क्या करता है कि एट द सेम टाइम में दोनों तरफ वर्क करता है और डिजिटल को एनालॉग में चेंज करता है। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, फॉर्मेटिंग ए सेल इन नंबर फॉर्मेट यू कांट सेट। जब हमको किसी नंबर जब हम फॉर्मेटिंग करते हैं किसी सेल में तो वहाँ पे हम क्या नहीं कर सकते हैं, तो उसका जो करेंसी सिंबल होता है उसको हम सेट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ए कंप्यूटर सिस्टम डैट इज ओल्ड एंड परहैप्स नॉट सेटिस्फैक्ट्री इज रेफर टू एज एन। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा लेगेंसी सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। व्हेन ए रेंज इज सिलेक्टेड हाउ कैन यू एक्टिव द प्रीवियस सेल। जब कोई रेंज सिलेक्टेड होता है और उसमें प्रीवियस सेल को एक्टिव करना हो तो इसमें ऑप्शन दिया है प्रेस टैब, प्रेस इंटर, प्रेस द अल्ट की एंड नन ऑफ दिस। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 43, विच सिंबल मस्ट ऑल फार्मूला बिगेन विथ। जब हम लोग एक्सेल में कोई फार्मूला यूज़ करते हैं तो जितना भी फार्मूला होता है वो किसके साथ में स्टार्ट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 44, जॉसी परफ्यूम्स आर एग्जाम्पल ऑफ। तो एक तरह का एग्जाम्पल था किस चीज़ का, तो एग्जाम्पल एक तरह का कंप्यूटर वायरस का। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, ए वर्कशीट रेंज इज ए वर्कशीट का रेंज क्या होता है। ए वर्कशीट ए रेंज इज ए जो उसका रेंज होता है सो एक ग्रुप के सेल पे डिपेंड करता है, जैसे कि ए ग्रुप ऑफ सेल। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज नॉट इंटर करेक्टली। इसमें ऐसा कौन सा फार्मूला है जो करेक्ट इंटर नहीं किया गया था। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कि जब भी कोई फार्मूला स्टार्ट होता है तो इक्वल टू से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे तीन ऑप्शन में इक्वल टू है और ऑप्शन नंबर डी में इक्वल टू नहीं है, तो यही अपना क्या है, इनकॉरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47, हाइपर लिंक कैन बी। हाइपर लिंक से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ड्राइवर ड्राइंग ऑब्जेक्ट टेक्स्ट पिक्चर एंड ऑल ऑफ द एबव। तो ऑल ऑफ एबव इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, टू ड्रैग ए सिलेक्टेड रेंज ऑफ डाटा टू अनदर वर्कशीट इन द सेम वर्क बुक यूज द। जब हम लोग को ड्रैग करना होता है डाटा को अनदर वर्कशीट पे तो उसके लिए हम लोग किस की का यूज करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, कल्ट की। क्वेश्चन नंबर 49, कमेंट्स पुट इन सेल्स आर कॉल्ड। जब हम लोग किसी सेल में कमेंट को पुट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सेल टिप। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, कंप्यूटर्स कंबाइन बोथ मेजरिंग एंड काउंटिंग आर कॉल्ड। जब कंप्यूटर जो होता है वो कंबाइन करता है मेजरिंग और काउंटिंग को तो उसको हम लोग किस तरह का कंप्यूटर बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस क्वेश्चन में किसी भी तरह के वर्ड में भी अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। टीच एक्स्ट्रा आपके साथ हर एक प्लेटफॉर्म पे है। आपका कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सारी रेगुलर अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।